नमन वाणी, मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज देखिए टीजीटी संस्कृत के अंतर्गत सुमनासोपदेश में आज मैं आपको अगला गद्यखंड, आठवां गद्यखंड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मित्रों देखिए, अभी तक तो सुमनास जी ने उपदेश किया चंद्रापीठ को कि बेटा चंद्रापीठ, यह लक्ष्मी जो है अत्यंत अविश्वसनीय होती है, अनेक राजाओं के पास यह पहुंच करके उनको उच्चता और निम्नता को दिखाया करती है। जिन राजाओं के पास लक्ष्मी हो जाती है वो फूले नहीं समाते हैं, जिनके पास लक्ष्मी नहीं होती है वे बेचारे अपने आप को बड़ा हीन समझते हैं। तो इस प्रकार से यह लक्ष्मी जो है क्या किया करती है, अचिरदुतकारिणी होती है, थोड़े समय के लिए यह कहीं कहीं प्रकाश उत्पन्न करती है और कहीं कहीं पर अंधकार उत्पन्न किया करती है। यह किसी की सगी नहीं होती है। और आगे वह बता रहे हैं कि दुष्ट पिशाची एव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोते सरस्वती परिगृहितम ईर्षम एव न आलिंगत जनम गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशते उदार सत्वम अमंगलमिव न बहुमन्यते सुजनम निमित्तमिव न पश्यते अभिजातम अहमिव लंघयते सूरम कंटकमिव परिहरते दातारदुः स्वप्नम इव न स्मरते विनीतम पातकिनम इव न उपसर्पते मनस्विन उन्मत्त इव उपहसति। कहा जो है दुष्ट पिशाचिनी, दुष्ट माने क्रूर, पिशाचिनी की भांति, दुष्ट पिशाचिनी की भांति दर्शितान अनेक पुरुषच्छाया, अनेक पुरुषों के उन्नति को दर्शितान दिखा करके, दर्शित अनेक पुरुषों को उन्नति को दिखा करके क्या करती है, स्वल्प सत्वम अल्प बुद्धि वाले लोगों को उन्मत्ति करोती, पागल कर दिया करती है। वाह, यहां पर चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े गुणवान लोगों को यह जो है उन्नति दिखा करके और उनको क्या कर देती है, अल्प बुद्धि वाले लोगों को क्या कर देती है, विशेषण स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोती। विशेष जो है जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, और मित्रों आपको बता दूं ये राजा लोग जो होते हैं अल्प बुद्धि स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन हे पुत्र चंद्रापीठ, तुम तो जो है अमानुष शक्तित्वम अलौकिक शक्तियों से युक्त भी हो और जन्मजात राजा के लड़के हो और विदित सकल संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान को तुम प्राप्त भी कर चुके हो, इसलिए बेटा तुम्हें बताना जरूरी है। तो इस प्रकार से बताते हुए सुनास जी कह रहे हैं कि क्रूर पिशाचिनी की भांति अनेक पुरुषों को उन्नति दिखा करके अल्प बुद्धि वाले लोगों को यह पागल बना देने वाली लक्ष्मी हुआ करती है। सरस्वती परिगृहितापि विद्वानों को, सरस्वती परिगृहितापि विद्वान पुरुषों को, सरस्वती परिगृहिता, सरस्वती को जो ग्रहण किए हुए हैं, ये किसका विशेषण है मित्रों, ईर्षमेव न आलिंगत जनम, उन जनों का विशेषण है। किन जनों, जन कैसे हैं, सरस्वती परिगृहिता जनः, सरस्वती को ग्रहण किए हुए जो जन हैं ऐसे लोगों को मानो वह क्या करती है, ईर्ष्येव न आलिंगति। यहां पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है मित्रों, कहां ईर्ष्या की भांति, ईर्ष्या से मानो वह उनको नहीं छूती है। सरस्वती परिगृहितापि, सरस्वती के द्वारा सरस्वती को ग्रहण किए हुए जन्म, जन्म का विशेषण है सरस्वती गृहितम। कहां सरस्वती परिगृहितम, ईर्ष्येव सरस्वती को ग्रहण करती हुई, सरस्वती के द्वारा, सरस्वती से युक्त लोगों के द्वारा ग्रहण करने पर यह ईर्ष्यम एव न आलिंगत, ईर्ष्या की भांति उनका आलिंगन नहीं करती है, अर्थात उनके पास नहीं जाया करती है। गुणवंतम कहा गुणवान लोगों के पास, गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशति,
और गुणवान लोगों को क्या करती है, गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशत। कहा गुणवान लोगों को अपवित्र की भांति मानो स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम एव न बहुमन्यते। उदारवादी लोगों को उदार सत्वम उदारशीलता से जो युक्त होते हैं, एते सर्वे विशेषण पदार्थ। देखिए विशेषण मात्र के प्रयोग से भी विशेष की उत्पत्ति होती है, विशेषण मात्र के प्रयोग से विशेष की उत्पत्ति होती है। मित्रों अब यहां पर देखिए, कहा उदार सत्वम इव बहमन्य से, कहा उदारवादी लोगों को अमंगलम इव, अमंगल के समान बहुत नहीं मानती। कहा उदारशील जो लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो कहा उदार सत्वम। देखिए मित्रों इसमें भी देखते चलें, उदार सत्वम उदारशील लोगों को कहा है, हाँ उदार सत्वम उदारशील लोगों को अमंगलम इव, अमंगल की भांति कल्याणकारी नहीं है ऐसा जो है मान लिया करती है। कौन? यह लक्ष्मी मानती है। सुजनम और सज्जन लोगों को जो है अनिमित्तम इव न पश्यस, अमंगल का अपशगुनकारी मान करके नहीं देखती है। और सज्जन लोगों को अपशगुन, जैसे बिल्ली आदि रास्ता काट देती है, या जो है हमारी दाई आंख भड़कने लगे, हाँ या जो है कोई भी अपशगुनकारी अगर लक्षण हमको मिलते हैं तो हम कहते हैं कि आज अब कार्य सफल नहीं होगा। जैसे हम अपशगुन मानते हैं वैसे ही यह सज्जन लोगों को क्या मानती है, अपशगुन की भांति मानो उनको कभी नहीं देखती है। अनिमित्तम इव अपशगुन मान करके कभी देखती नहीं है। अभिजातम अहिमिव, अभिजातम और कुलीन लोगों को सर्प की भांति अहिम इव न लंघयति, अहिमिव लंघयति, कहा कुलीनों को सर्प की भांति उल्लंघन करती है। जैसे जो है सर्प आदि को हम देखते हैं तो डांक जाया करते हैं, उछलते हैं, उसी प्रकार से जो है यह लक्ष्मी अगर जो कुलीन व्यक्ति है तो उनके पास से वह उछल करके दूसरों के पास चली जाया करती है। विनीतम पातकिनाम एव, और विनीत माने विनम्र लोगों को, पातकिनाम नहीं, देखिए मैं तो एक लाइन छोड़ गई है, सोरम कंटकम एव परिहरते, और वीरों को कंटकम एव परिहरत, कांटे की भांति दूर कर देती है। और वीरों को क्या करती है यह मित्रों, कांटे के समान छोड़ दिया करती है, जैसे कांटे के समान पीड़ा को छोड़ती है। परिहरत कंटक जैसे पीड़ादायी होता है वैसे ही यह वीरों को, सोर माने वीर और सोल माने कांटा भी होता है, तो सोरम माने वीरों को कांटे की भांति पीड़ा दे करके छोड़ दिया करती है। दातारम दो स्वप्नम एव न स्मरति, और जो है दानियों को बुरे सपने की भांति स्मरण नहीं करती है, क्योंकि यह जानती है कि दानी लोग मुझे दान कर देंगे, इसलिए दानियों को जैसे कोई बुरा सपना हम मान करके नहीं याद करते हैं कि बुरे सपने को, इसी चर्चा भी नहीं करते हैं, वैसे ही यह बुरे सपने की भांति दानियों को छोड़ दिया करती है। दातारम देने वाले को, दानियों को दुह स्वप्नम इव बुरे सपने की भांति ना स्मरत नहीं स्मरण करती है। विनीतम और विनम्र लोगों को पातकिनम, विनयशील लोगों को पापियों की भांति ना उपसर्पत उनके पास नहीं जाती है। विनीत लोगों के पास पापियों की भांति, उनको पापी मान करके उनके पास यह नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, और मनस्विनम विद्वान लोगों पर, विद्वानों का जो है यह उन्मत्त के समान क्या किया करती है, हास किया करती है, विद्वानों का जो है यह उपहास करती है लक्ष्मी। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से जो है यह लक्ष्मी अत्यंत जो है चंचल होती है। अब मित्रों इसी के साथ हमारा आगे जो है गद्यखंड है, परस्परम विरुद्धम
इंद्रजालम इव नवा का दिखंड है, परस्परम विरुद्ध इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम तथा ही सततम ऊष्माण आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयते उन्नतिम आदधानापि नीचस्वभावता मा विस्कृतोति तोयराशि संभवापि तृष्णां संवर्धयति। ये सभी स्त्रीलिंग में है मित्रों, देखिए ईश्वरताम दधानाम धा धातु है, दधानामपि अस्यो प्रकृतित्वम आतनोते बलोपचय हारयन्तम अपि लघिमानम उपादयति। ये लक्ष्मी के लिए सब आया है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका विग्रह वक्तम अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रता पी खल जनप्रिया रेणुमैव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। मित्रों जैसे परस्पर कहा कि यह लक्ष्मी क्या करती है, परस्पर विरुद्ध धर्मों वाली, परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम इव, इंद्रजाल के समान जैसे इंद्रजाल रूपी जादू होता है, यह क्या करती है, परस्परम विरुद्धम परस्पर विरुद्ध। यहां पर देखिए विरोधाभास अलंकार है कि निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई भी शीतलता को प्रदान करती है। निरंतर गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी, मतलब पैसा है तो आप गर्मीले स्वभाव वाले हैं, फिर भी आप शीतलता का अनुभव करते हैं, वाह मेरे पास जो है एसी है, कूलर है, फ्रीज है, ये है वो है, तमाम प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हुए यह जो है अपने आप को शीतलता का अनुभव करते हैं। तो वैसे ही यह लक्ष्मी क्या करती है मित्रों, परस्परम विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध धर्मों को, और भी मानो यह क्या, परस्पर विरुद्ध धर्मों से युक्त यह इंद्रजालम इव, इंद्रजाल के समान दर्शयन्ति प्रकटयति च निजम चरितम, अपने चरित्र को यह प्रकट किया करती है। मानो अनेक पुरुषों को निरंतर गर्मी उत्पन्न करते हुए भी शीतलता के रूप में निजम चरितम प्रकटयति, अपने चरित्र को संसार में प्रकट किया करती है। निज चरितम, अपने चरित्र को संसार में प्रकट किया करती है। प्रकटयति जगति निजम चरितम तथा ही, क्योंकि सततम, सततम लगातार, क्योंकि सततम लगातार ऊष्माणम आरोपयन्ति जाड्यम उपजनयति, लगातार गर्मी उत्पन्न करती हुई भी शीतलता को उत्पन्न किया करती है, शीतलता रूपी विवेक शून्यता को विवेक शून्य कर देती है। जाड्यम उपजनयति सततम ऊष्माणम आरोपयन्ति, ऊष्माणम आरोपयन्ति गर्मी को बढ़ाती है, निरंतर लगातार गर्मी को बढ़ाती हुई भी यह क्या करती है, विवेक शून्य कर दिया करती है। जाड्यम उपजनयति उन्नतिम आदधानम अपि, ऊपर उठा करके भी नीच स्वभाव वाला बना दिया करती है। नीच स्वभाव तमाम आविष्कृतोपि आविष्करोति, कहा उन्नतिम आदधानम अपि, उन्नति को प्राप्त कराते हुए भी नीच स्वभाव ताम आविष्करोति, निम्न स्वभाव को जन्म दिया करती है। यह जो है जिसके पास लक्ष्मी है वह दूसरे के स्त्रियों को अपने धन के बल पर, अपने जन के बल पर, अपने जो है मान सम्मान के बल पर उनका अपहरण करना चाहता है, शोषण करना चाहता है। तो कुल मिलाकर के निंदित जितने कर्म होते हैं सभी कर्मों को करने के लिए वह तैयार हो जाता है। इसलिए कहा गया है मित्रों कि यह नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभाव वाली बना दिया करती है। तो यराशि संभवापि, कहा समुद्र से जन्म लेकर के भी, तो यराशि स्त्रीलिंग है मित्रों यहाँ पर, तो यराशि संभवापि तृष्णा संवर्धयति, धन की लालसा को यह बढ़ाती। तो यराशि संभवापि, कहा तोय माने जल, जल की राशि अर्थात समुद्र से उत्पन्न होती हुई भी यह तृष्णां संवर्धयति, धन की लालसा को बढ़ाती है। ईश्वरताम, ईश्वरताम माने शिवत्व को,
विश्वरूपता को शिवत्व को धारण करती हुई भी अशिव प्रकृतित्वम में आतनोती, यह अशिव स्वभाव का विस्तार करती है, गंदे स्वभाव का विस्तार करती है, अकल्याण रूपी स्वभाव को यह जन्म दिया करती है, विस्तार किया करती है। बलोपचय हार्यंतम अपि बल की वृद्धि करती, बल उपचय आहरंत, बल उपचयम आहरंत्यपि, कहा बल की वृद्धि करती हुई भी लघिमानम लघिमानम अपादयति, कहा जो है हल्केपन को उत्पन्न करती है, कहा बल की वृद्धि करती हुई भी हल्केपन को उत्पन्न करती है। लघु शब्द से यहाँ पर बच्चों इमिनिच प्रत्यय है जो लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है, लघिमानम लघुता को उत्पन्न किया करती है। हाँ, इमिनिच प्रत्यांत शब्द जितने होते हैं सभी पुलिंगवाची हुआ करते हैं। तो अब मित्रों देखिए फिर कहती है अमृत सहोदरापि कटु विपाका, कहा अमृत की सगी होती हुई भी कटु विपाका कड़वे रस वाली हुआ करती है। विग्रहवत्यम अपि, कहा जो है विग्रहवत्यम अपि शरीर, एक विग्रह माने शरीर है और एक विग्रह माने युद्ध भी होता है, तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है मित्रों। विग्रहवत्यम अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, कहा जो है विग्रहवत्यम अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, युद्धकारिणी होते हुए भी आंखों से यह दिखाई नहीं पड़ती। पुरुषोत्तम रताम अभिखलजन प्रिया, उत्तम पुरुषों में आसक्त होने पर भी पुरुषोत्तम उत्तम अमरताप उत्तम रतापी लगी होती हुई भी, उत्तम पुरुषों में आसक्त होती हुई भी खालजन प्रिया दुष्ट जनों के द्वारा यह प्रिय होती है। रेणुमयी इव धूलमयी होकर के भी स्वच्छम अपि स्वच्छता को भी मलिन करती है, मलिनी करोति कलुषी करोति, यह मलिन कर दिया करती है, मानो धूलमयी होकर के स्वच्छ को भी मलिन कर दिया करती है, गंदा बना दिया करती है। उत्तम पुरुषों में आसक्त होते होने पर भी दुष्ट जनों के लिए प्रिय होती है, तथा रेणुमयी अपि स्वच्छम अपि मली करोति, मानो धूलमयी होकर के भी स्वच्छ को भी मलिन बना दिया करती है। यह लक्ष्मी इतनी गंदी होती है, इतनी अविश्वसनीय होती है, इतनी दुष्ट स्वभाव वाली होती है कि यह जो है रेणुमयी अपि स्वच्छम अपकल सुकरोति, मानो धूलमयी होकर के धूल से युक्त होकर के स्वच्छ लोगों को भी मलिन कर दिया करती है, स्वच्छ लोगों को भी गंदा बना दिया करती है। तो इस प्रकार से मित्रों यह लक्ष्मी जो है अत्यंत दुष्ट पिशाचिनी है और गंदे स्वभाव वाली है। तो मित्रों आपका ये आठवां और नौवां गद्यखंड हो गया, आज बस इसी गद्यखंड के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, पुनः अगले गद्यखंड को लेकर के नए जोश के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे। नमो नमः मित्रा, धन्यवाद।